बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर का उज्ज्वल शुभांकर पर। दोस्तों, बड़ा गर्व सा महसूस होता है जब अपने शहर से किसी को हम बढ़ते देखते हैं, कितना अच्छा लगता है। और अब तो उत्तर प्रदेश में अपना एक फिल्म इंडस्ट्री मिल रहा है। अब आपको शायद पता होगा, नोएडा में एक फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण चल रहा है, बहुत जल्दी वो आपके और हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन क्या हम उसका इंतजार कर रहे थे इतने दिनों तक? जी नहीं, हर साल 10 से 20 छोटी बड़ी फिल्में लखनऊ में बनती चली जाती हैं। और ये मैं सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, अगर मैं साउथ और अन्य भाषा, अन्य रीजनल लैंग्वेजेस की बात करूँ तो इससे भी कहीं ज़्यादा फिल्मों का जो शूटिंग है वो लखनऊ में होती आ रही हैं। दोस्तों, जब एक बात हम फिल्मों की करते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक माइंडसेट बरसा हुआ है। वो पहले कहते थे ना, वो बॉम्बे भाग गया। बॉम्बे भाग गया का मतलब ही होता था कि कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में कोई स्ट्रगल करने चला गया। तो दो बातें बंबई से जुड़ के आती थी, एक फिल्म इंडस्ट्री और दूसरा स्ट्रगल। लेकिन जो एक परिभाषित स्ट्रगल था, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और अन्य टेक्नोलॉजी जो अब धीमे धीमे रोज बढ़ती चली आ रही हैं, पहले टिकटॉक आया, पता नहीं कितने सारे टॉक आ चुके हैं, और इसके माध्यम से लोगों को जो एक एक मंच मिलता चला आ रहा है जहां पे वो अपना टैलेंट शो करते हैं, अपनी प्रतिभाओं का मंचन करते हैं, ये काबिले तारीफ है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी छवि एकदम अलग बना ली, हमारे शहर से ये लोग आगे बढ़ के निकले, और इतना गर्व महसूस होता है आज जब हम उनको वो सुनहले या रुपेले पर्दे पर हम लोग देखते हैं। इसी में से एक बड़ा नाम है टिया वाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, टिया वाजपेयी, द ब्यूटीफुल टिया वाजपेयी, जिनको आपने सराहा 1920 द इविल स्टोरी, द रिटर्न ऑफ द इविल स्टोरी, उसके बाद हेट स्टोरी 4 था, और भी कई मूवीज में आप इनको देखते चले आ रहे हैं। तो ये जो सफर रहा उनका, कैसा रहा ये जिंदगी, अब जो उनकी नई जो जिंदगी बनी वो कैसी रह रही है, अब धीमे धीमे उन्होंने अपने पांव हॉलीवुड की तरफ बढ़ाया है, इन सब चीजों की कहानी जो है आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। चलते हैं टिया वाजपेयी के पास। सो टिया, वेलकम टू आवर शो, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक्स फॉर ग्रेसिंग द प्राइम टीवी टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू टिया, लखनऊ में आपकी पैदाइश रही, यानी कहीं ना कहीं हम पैदाइश हैं, मतलब हम भी यहीं लखनऊ के पैदाइश हैं, यहीं पे पले बड़े हुए हैं, बड़ा गर्व होता है। आप जैसे सुंदरियों के साथ मैंने ये शहर शेयर किया, बताइए। तो टिया, लखनऊ से मुंबई जी, ये सफ़र के बचपन से ही शुरुआत हो गई थी, कहीं तय हो चुका था कि नहीं मुझे तो यही सफ़र करना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, बचपन में सोच लिया था? मैंने एक्चुअली बचपन में ही सोच लिया था एक्ट्रेस बनूंगी, ये नहीं सोचा था, क्योंकि जब बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करते तो बहुत बड़ी बात है जो मैंने नहीं सोचा था कभी। पर हाँ, ये था कि मैं मुंबई जाऊंगी, मैं सिंगर बनूंगी। और अच्छा, आप तो सिंगिंग से चली है दोस्तों, ये बताना तो भूल ही गया, सारे गांव पास से आई है जी, याद करिएगा वो 2006 एंड दैट वाज विद शान, राइट, विद शान चैलेंज। तो बताएं वो कहानी बताएं। तो बचपन से ही था, मतलब मुझे और कुछ करना ही नहीं था, मम्मी डैडी चाहते थे मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, आईएएस की कोचिंग भी करवा रहे थे, सब सारी चीजें। जी 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 जी, पढ़ाई के मामले में पीछे नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज से। तो पर वो ऐसा हुआ कि जब मैं मुंबई गई, जब सारेगामा पा में मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ से लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, टच यू, थैंक यू, इतना ज़्यादा मुझे लोगों ने पसंद किया कि वहाँ पे ये हो गया कि आप इतनी अच्छी दिखती हो, आपको एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे वापस नहीं जाने देना लखनऊ, यहीं पे रख लेना। जी, तो वहां से एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। घर की लक्ष्मी बेटियां मैंने, पहला मेरा टीवी सीरियल था। ओके जी, तो घर की लक्ष्मी जी टीवी पे, जी पर जी, वाओ, मैं लक्ष्मी का किरदार निभाती थी उसमें। जी, सो वहां से एक्टिंग करियर शुरू हुआ, और सिंगिंग और एक्टिंग साइमल्टेनियसली चलती रही। एंड देन इन 2011 आई गॉट इन टू फिल्म, जब पहली फिल्म मेरी हॉन्टेड 3D थी, जो महाक्षय के साथ थी। फिर जो है उसके बाद मैंने मनोज वाजपेयी जी के साथ लंका की, फिर 1920, एंड देन द फिल्म लिस्ट कंटिन्यूज। So,
टियर बात तो फिल्मों की रही, लेकिन शुरुआत आपने सिंगिंग से की थी जी। तो सिंगिंग में कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग तो ली होगी आपने, अच्छे से कहीं से सीखा होगा? जी, मैंने लखनऊ भातखंडे से विशारत किया है। वाओ। उसके बाद मुंबई जाके मैंने ठुमरी करी है, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से भी मैंने ट्रेनिंग ली है। तो संगीत तो मैंने करीब 12-13 साल फॉर्मल ट्रेनिंग ली है शास्त्रीय संगीत की, और उसके बाद वेस्टर्न क्लासिकल की भी जो है 1-2 साल मैंने ट्रेनिंग ली है। तो संगीत तो मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहा है जी। तो टिया, जब आपने संगीत से ही जब करियर शुरुआत की थी और आपको अच्छी खासी शुरुआत मिली, सारेगामापा एक बहुत बड़ा एक शो है और उस गेम शो से आपने अपना जो है वो स्टेपिंग स्टोन रहा आपका जी, तो फिर संगीत से क्यों हट गए आप? एक्चुअली संगीत से मैं कभी हटी नहीं हूँ। यू नो, ये लोगों को लगता है क्योंकि मैंने एक्टिंग करियर अपना जो है इतना ज़्यादा परस्यू किया, तो लोगों को लगता है मैंने शायद संगीत परस्यू नहीं किया। लेकिन मेरी पहली फिल्म हॉन्टेड 3D में मेरा पहला प्लेबैक खुद के लिए ही जो है मैंने प्लेबैक किया था 100 बरस, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ है। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जो है एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। नहीं, मुझे अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना है एज अ सिंगर, एज एन एक्टर। अगर मैं सिंगर और एक्टर दोनों हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इंडस्ट्री में हैं नहीं जो दोनों करते, तो मैं अपने खुद के लिए ही अपना प्लेबैक करना चाहती हूँ। मुझे किसी और को अपनी आवाज़ नहीं देनी है। आई थिंक आई गॉट अ लिटिल ग्रीडी उसमें कि मुझे अपनी आवाज़ किसी को नहीं देनी, मेरी आवाज़ मेरे लिए ही होनी चाहिए। अच्छा, ये बात मैंने एक बार मोनाली ठाकुर से पूछा था। आप लोगों को दोस्तों शायद ना पता हो, मोनाली ठाकुर ने एक फिल्म भी की थी, उस फिल्म का नाम था लक्ष्मी। बहुत अच्छी फिल्म थी, मेरे ख्याल से दैट वाज क्रिटिकली अक्लेम्ड। और लेकिन मोनाली ठाकुर ने उसको कंटिन्यू नहीं किया। उन्होंने जो तवज्जो दी, उन्होंने सिंगिंग को दे दी, और वो शायद उनकी पहली और आखिरी फिल्म रही, या शायद उन्होंने एक आध और की हो, जिसका मेरे पास कोई ऐसा कोई डेटा नहीं है। तो मोनाली ठाकुर ने ये ट्राई किया, आपको लगा नहीं सिंगिंग से, लेकिन आपका जो फोर्टे था, जो बेसिक जो ट्रेनिंग रही थी, वो तो सिंगिंग की रही थी। तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि सिंगिंग आप लोगों को बुला रहा हो, टिया आ जाओ आ जाओ? बुलाएगा तब जब मैंने छोड़ा हो। मैंने कभी अपना म्यूजिक कभी छोड़ा नहीं है। क्या है, लोग हमेशा उसको प्रोफेशनली जो है परस्यू करते हैं, प्रोफेशनली इतना ज़्यादा वो बना देते हैं कि सिंगर है तो उसको सिर्फ प्लेबैक करना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे डांस हो, आता तो वो कला के अंदर ही है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। एंड वी आर आर्टिस्ट्स, यू नो, सो वो मैं अपने आप को एक कंप्लीट आर्टिस्ट के रूप में हमेशा देखती हूँ कि मैं एक कंप्लीट आर्टिस्ट हूँ। मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं अच्छा एक अच्छी डांसर भी हूँ। और मुझे वो आर्ट एज अ फॉर्म जो है ना, आप कहेंगे वो कंप्लीट जो होता है ना, वो कंप्लीट, जैसे हम कहते हैं अगर दाल में तड़का ना हो तो दाल, सही बात है, मजा नहीं आता। यू वांट टू कैटर एज अ कंप्लीट पैकेज। आई वांट टू कैटर एज अ कंप्लीट पैकेज कि टिया का जब नाम आए तो टिया सिंगिंग भी कर सकती है, टिया एक्टिंग भी कर सकती है, टिया डांस भी कर सकती है। टिया इज अ कंप्लीट पैकेज, राइट? लेकिन क्या एक्टिंग में भी आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ सीखा कहीं से? इनिशियली नहीं, इनिशियली आई वुड से मुझे एक्टिंग, लोग एक्टिंग को चुनते हैं, एक्टिंग ने मुझे चुना था। क्योंकि ऐसा मैं कहूँगी, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि आप मैं जहाँ भी अपने म्यूजिक के लिए गई हूँ, मुझे लोगों ने देखा है, उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की है, टेलीविजन शो ऑफर किया है। सो आई विक्रम भट्ट के वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। बिकॉज मैं अच्छा, उनकी बड़ी पारखी नजर है जी। वो किसी को भी कहीं से ढूंढ निकालते हैं जी, और जी। बिल्कुल कहाँ कहाँ से उन्होंने कैरेक्टर्स ढूंढा है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। और वो उनके कहानी में फिट भी बैठती है जी, बिल्कुल। एक छोटा सा शो दोस्तों, विक्रम भट्ट, पता नहीं उनको भी बड़ा भूतों से लगाव है, शायद आपको भी कहीं भूतों से लगाव होता जा रहा है। बहुत लगाव है। या तो भूतों को आपसे प्यार है या आपको भूतों से प्यार है, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि भूतों वाले कहीं मूवीज आपके साथ लाइन रख रही है। तो क्या था ये भूतों से प्यार क्यों? एक्चुअली जो पहली फिल्म थी हॉन्टेड मेरी, तो मैं उस वक्त उनके साथ म्यूजिक एल्बम के लिए जुड़ी थी। उनकी कंपनी ने मुझे मेरे सिंगिंग करियर के लिए साइन किया था। और जब हमारा पहला फोटोशूट हो रहा था, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर कर दी और उन्होंने बोला, और वो भी भूतों वाला जी। और उसमें एक्चुअली जो हीरोइन है वो गाती है। हाँ, राइट। सो ही सेड मुझे मेरी
मीरा के लिए आई कैन नॉट फाइंड एनीवन मोर परफेक्ट देन, और सारे लोग अगेंस्ट थे. एंड यू सैंग द सॉन्ग एज़ वेल. आई सैंग द सॉन्ग. सो वो एक्चुअली इम्पर्सोनाइजेशन जो था वो काफी प्रैक्टिकल बैठा. हां जी. सो राइट, आई थिंक सारे लोग उसके अगेंस्ट थे, बिकॉज़ एक तो मैं रियलिटी शो से आई थी, टेलीविजन बैकग्राउंड था मेरा, तो थोड़ा सा ये पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी कि टीवी बैकग्राउंड वालों को फिल्मों में नहीं लेंगे. हाँ, 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 रियलिटी शो वाले ऐसा माना जाता था, लेकिन अब तो ऐसा माना जाता था कि रियलिटी शो से आए हैं तो दे आर नॉट सीरियस अबाउट द आर्ट. बट आई थिंक विक्रम सर अकेले थे जो मेरे लिए जो है उन्होंने बोला नहीं, मेरी गारंटी फिल्म फ्लॉप भी होगी तो वो मेरा लुकआउट है, हिट होगी तो भी वो मेरा लुकआउट है. आई वॉन्ट दिस गर्ल. सो हाउ डिड यू फाइंड विक्रम एज डायरेक्टर? ही इज अमेजिंग. ही इज बहुत ही शांत है, क्योंकि जब इंसान अगर शांत होता है ना तो काम बहुत आराम से हो जाते हैं. हॉन्टेड 3D इंडिया की पहली स्टीरियो समथिंग 3D हमने फिल्म करी थी, और डॉल्बी और इसमें जी हाँ जी. तो हम जब हमने शुरू जब हम करने वाले थे, कनाडा से बहुत सारे कैमरा इक्विपमेंट्स आ रहे थे. हाँ, ये मैंने सुना है कि उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ था जो उससे पहले फिल्म उद्योग में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था. तो विक्रम जी ने शायद उसको, विक्रम भट्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली लॉन्च इट ओवर देयर. हाँ जी. तो जो हमारे सिनेमेटोग्राफर थे वो इनक्रेडिबल हल्क के सिनेमेटोग्राफर थे. ओह ओके. सो यू स्टार्टेड वर्किंग विद द हॉलीवुड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. I would say it was written in the stars. Right. So, Tia, ये तो बात रही कि movies तक तो आप पहुंच गई. एक चीज होता है कि आप बड़े किस्मत वाले रहीं कि आपको पट से वहां पे एक ब्रेक मिल गया और आपने उसको तुरंत आपने अच्छा निभाया भी और वहां से आपने उसको अपने करियर को उठाया भी वहां पे. लेकिन हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सस्टेन ओवर देयर, किसी चीज को मेंटेन करना. हाँ, पहला मिला उसके बाद दूसरा मिलते जाना है, वो जो काम की जो एक प्रतिस्पर्धा में अपने आप को भी बनाए रखना है जी, ये कैसे संभव हो पाया और इसमें कौन सी कठिनाइयां आपने झेली? ये मैं कहूंगी सबसे मुश्किल काम ये है, क्योंकि गेटिंग फेमस इज नॉट डिफिकल्ट. अगर आप टैलेंटेड हैं तो फेम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ टैलेंट. अगर आपके टैलेंट में उतना दम है तो लोग आपको पसंद करेंगे ही करेंगे. आप चाहे सादे कपड़े पहन के सोने की खान में खड़े हो जाए, लोग आपको ही पसंद करेंगे. वो एक बहुत नॉर्मल. बट हाँ, सस्टेनिंग वो वहाँ पे एक बिजनेस एस्पेक्ट आ जाता है जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं फिल्म फैमिली से हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि आपको अपनी टीम होनी चाहिए, आपकी पीआर टीम होनी चाहिए, और आप किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपकी टीम बात करती है, आपका स्पोक्स पर्सन. ये मतलब एक अलग बिजनेस था जो मुझे पता ही नहीं था. तो मैंने ऑन द वे इस जर्नी को सीखा, क्योंकि पहली फिल्म के बाद क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हुए जब मैं फिल्म फेयर अवार्ड्स में गई थी या जहाँ भी गई थी, और हॉन्टेड 3D 1920 सुपर हिट फिल्में थी, बट पीपल एक्चुअली इग्नोर्ड मी. लोगों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया जब मैं जिन्होंने मेरी फिल्मों के रिव्यूज करे थे. ओह गॉड. सो बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड आई थिंक आई लर्न्ड ये बात कहीं एक्सेप्टेंस की तो नहीं थी कि लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि नहीं ये कैसे बाहरी दुनिया से कैसे आ गई, एक लखनऊ से आई लड़की अचानक हमारे बीच में कैसे अपना नाम बड़ा कर रही है. आई थिंक मोर देन एक्सेप्टेंस वो ये हो जाता है ना, वो कम्फर्ट लेवल की बात आ जाती है, क्योंकि आप अभी जिनके साथ सालों से काम कर रहे हैं, आप किसी नए इंसान को पहले तो वो कम्फर्ट लेवल वो रैपो नहीं होता है, तो लोग आपके साथ. और शायद मैं ऐसी हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें पता ही नहीं थी. मैं आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे वैसे भी बचपना बहुत था, चीज़ें समझ नहीं आती थी. तो आई थिंक आई नेवर हैड दैट रैपो कि इस पार्टी में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है. मेरा वही था, मैं पढ़ भी रही थी, सो आई वुड कम बैक होम एंड स्टडी, और फिर एग्जाम्स भी होते थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी. बट आई थिंक अलॉन्ग द वे मैंने वो चीज़ें सीखी जो बिजनेस एस्पेक्ट है, क्योंकि आप कितना भी टैलेंट लेके चले जाओ अगर आपको बिजनेस की समझ नहीं है, बिकॉज इट्स एन इंडस्ट्री एट द एंड ऑफ द डे, इट्स सीरियस मनी दैट इज इन्वॉल्व्ड. सो आई वुडंट ब्लेम एनीबडी कि उन्होंने ये नहीं किया, बिकॉज भाई जब कोई इंसान अपने करोड़ों रुपए लगाता है, सो दे वॉन्ट वॉट दे वॉन्ट, यू कैन नॉट टेल देम. बट यू आर बीइंग अटमोस्ट हम्बल, आप थोड़ा डिप्लोमेटिक हो रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप डिप्लोमेटिक अपने उससे बाहर निकलें और हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जानते हैं क्या है, आज के दिन भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी करियर अपना अभी समय साध रहे हों, उसके लिए कोशिश कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं मन में लगा रहता है काश मुंबई पहुँच जाते हैं, एक्टिंग में भी हम एक बार हाथ अगर आजमाते तो शायद ये लोग सीख सकेंगे. तो मैं ये चाहूँगा, जैसे आपने ये कहा
मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कईयों से सुना कि मुंबई अभी भी जो है वो अपने दिल बंद रखती है जो दूसरे शहरों से आते हैं, और अभी भी वो छोटा शहर बड़ा शहर वाली बात है, वो शीज़ फ्रॉम द बी टाउन और ये वाली थोड़ी सी बात आ जाती है और उनके दरवाजे कहीं ना कहीं अटकने लग जाते हैं जब तक कि उस पर सही तरीके की खटखटाहट न दी जाए। मैं कुछ और शब्द इस्तेमाल करने वाला था लेकिन मैं नहीं करूँगा, वहाँ कई तरीके की टांगें अड़ाई जाती हैं और आपने जो है हम लोग सुनते रहते हैं कि देर आर कॉम्प्रोमाइज़ टू बी मेड। सो व्हाट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, आई मीन द नेगेटिव एस्पेक्ट डिड यू फेस? एक्चुअली मेरे लिए, मैं जब इंडस्ट्री में गई ना, तो आई वॉज ऑलरेडी अ स्टार, आई वॉज अ टेलीविजन स्टार, आई वॉज अ रियलिटी शो स्टार, तो मेरा एक 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 मैं कहीं भी जाती थी तो मेरा नाम था कि इन्होंने ये काम किया हुआ है। एंड मुझे जो है, मैं ये कहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ और ये सब जो लोग बोलते हैं ना, ये हर वो इंसान बोलता है जिसको अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। तो आप ये क्या मतलब, क्या आप सीरियस ना करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस भी, उन्होंने भी उंगली उठाई है। देखिए क्या होता है ना, सिर्फ बिकॉज मुझे ये चीज़ कभी कभी बुरी भी लगती है जब लोग ऐसे सोचते हैं, तो आप जब किसी भी इंडस्ट्री में, वेदर इट इज़ अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ अ मेडिकल इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, एज अ वुमन आई वुड से, आप स्टूडियो से अपने बाहर निकलेंगे या आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, देर आर ऑलवेज पीपल हु आर लुकिंग एट यू। ये एक एक आई थिंक एक औरत होने की मैं ये नहीं कहूँगी सजा है, आई थिंक इट्स देर इज इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, बिकॉज आप एक औरत होती हैं और आप घर से निकलते हैं तो आपको ये चीज़ें युद्ध वहीं से शुरू हो जा रही हैं, युद्ध वहीं से शुरू हो जाता है, पर ये है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लगाम लगानी है, कहाँ पे पांव खींचना है, कहाँ पे। कभी मुंबई में मैं एक चीज जरूर जानती हूँ, कोई आपको कभी फोर्स नहीं करता किसी चीज के लिए कि आप ये करें तो हम आपको ये करेंगे, तो वो तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप उस ऑप्शन में क्यों फंस रहे हैं। कईयों की करियर लेकिन खत्म भी हुआ है, ये भी आप मानेंगे? बिल्कुल मैं मानूंगी। और अगर वो लोग अगर कुछ उधर अगर उंगली उठाते हैं कि नहीं, ऐसा है कि lack of proper training is one of the issues जिसके ऊपर बहुत बात होती है कि proper training वो लोग सही जगह पहुंचने ही नहीं देते, यानी जो newcomers होते हैं उनके लिए वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, और नहीं तो वहीं पे compromise, मतलब दोस्तों हम लोग सिर्फ एक एंगल से देखते हैं, compromise सिर्फ वही नहीं है, compromise और भी कई चीज़ों की हो सकती हैं। अगर आपको कुछ सीखने ना दिया जाए, अगर आपको बढ़ने के वैसे ही जैसे भाई जो अपॉर्चुनिटीज आप सबको दे रहे हैं सबको दीजिए ना, बिल्कुल सही। फिर ये नहीं होना चाहिए कि यूपी हो या बिहार हो या कुछ स्टेट वाइज, अब जब बात स्टेट वाइज की निकली है तो आप तो यूपी के भैया वो होने का भी दाग रहा होगा, और इससे तो मुंबई जूझ रहा है, महाराष्ट्र भी जूझ रहा है। एक्चुअली मैं यूपी की सीधी वाली बच्ची कभी नहीं थी, मैं यूपी की भैयानी बन के गई। मुझमें हमेशा से एक लखनऊ का जो नवाब जादगी थी वो तो थी ही थी, और साथ में मैं यूपी से हूँ, भैयानी हूँ, तो वो एक जो आप बोलेंगे ना अकड़ नहीं कह सकते, बट वो हिम्मत जो होती है ना कि मैं, हम आ गए हैं, कालीन बिछाया जाए, हम आ गए हैं, दरवाजा खोला जाए, मुझमें हमेशा से वो चीज रही है, और कहीं ना कहीं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लोग मेरे आगे बहुत झुके भी हैं इस चीज़ को लेकर। अच्छा? क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हेडेड रही हूँ। हाँ। अगर नहीं होती तो मैं शायद यहाँ तक बिना किसी सपोर्ट के नहीं पहुँचती, तो मैं ये कहूँगी कि आई ऑलवेज ब्रोक द डोर्स दैट वर क्लोज्ड ऑन मी। ओके ओके, मैंने खटखटाया नहीं, मैंने लात मार दी, मैंने तोड़ दिया, और मैं बैल के जैसे घुस गई हूँ कि बाकी देखा जाएगा। सही बात है टिया, मैंने जितना सुना था टिया वाजपेयी उससे ज़्यादा दमदार मुझे दिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी हम इन्हें राजनीति में भी शायद देखने वाले हैं। तो टिया, जब बात यहाँ तक आ चुकी है कि हम लोग कह रहे हैं, मैंने हम लोगों ने बात की कि दोज नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्रीज एज वेल, और आपने हर चीज़ को नकारा, आपने कहा कि देखिए अगर आप लड़ने वाले होते हैं तो आप हर चीज़ से लड़ सकते हैं, अच्छी बात है। एक्चुअली एक चीज़ आपको कहूंगी, एज अ आर्टिस्ट कई बार ना यंग जो टैलेंट होता है ना, हम ये चीज़ मैंने खुद सीखी है जर्नी में, आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा, आप अगर किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो व्हाई डू यू वांट टू गो, बिकॉज लोगों को हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो फेमस हो जाएंगे, फेम मिलेगा, लेकिन आपको ये जानना है कि आप जो है
इंडस्ट्री में जा रहे हैं बिकॉज यू लव योर आर्ट, बिकॉज आप अपने टैलेंट से उतना प्यार करते हैं कि आपको कुछ और नहीं बनना है, आप कुछ और कर नहीं सकते, या फिर आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं फेमस हो जाऊंगा या मैं फेमस हो जाऊंगी? क्योंकि अगर आप पहला करते हैं तो आप बहुत लंबा सस्टेन करेंगे। आपको अपने काम से उतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि आप लोग आप पे पीपल कैन थ्रो एनीथिंग एट यू, आप उसको हिम्मत से जो है हौसला करें। लेकिन अगर आप फेम के लिए जा रहे हैं तो आप ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे क्योंकि फिर आपको वो फेम नहीं मिलेगा और आपको लगेगा फ्रस्ट्रेशन आएगा हमें कोई काम नहीं दे रहा, हमें कोई काम नहीं दे रहा। लेकिन अपने काम से उतना प्यार होना चाहिए कि फेम आए ना आए मुझे चलेगा, लेकिन मैं मेरा काम करूंगी और उस चीज की रिस्पेक्ट। अगर आप अटेंशन के लिए कोई चीज कर रहे हैं तो अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत छोटा होता है। वो आज इन्होंने ये देखा, दूसरी टिकटॉक वीडियो, या हर फ्राइडे एक फिल्म रिलीज होती है। लेकिन अगर आप जो है रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहे हैं कि मेरा जब भी नाम आए मेरी रिस्पेक्ट हो, लोग मेरा काम जब भी आज से 10 साल बाद उठा के देखें उस चीज़ की रिस्पेक्ट हो, तो आप बहुत लंबा जाएंगे। सही बात है जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि देखिए अपने काम से उस शिद्दत से मोहब्बत करिए कि पूरी कायनात आपको सफलता दिलाने के पीछे लग जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने, ये सारी बातें तो हुई। अब चलते हैं हॉलीवुड। हमने सुना आपने हॉलीवुड की तरफ बहुत जल्दी कदम बढ़ा दिया और अब वहाँ का कुछ प्रोजेक्ट कर रही हैं। तो अब क्या बहुत जल्दी हमें आपको जो है हम आपको किस किस के साथ देख सकते हैं, जरा बताएं क्या? फिंगर्स क्रॉस, बहुत जल्दी और भी बहुत सारी फिल्में होंगी, लेकिन अभी जो मैं कर रही हूँ वो है द सीक्रेट डायमेंशन, जो कि एक ऑडियो विजुअल फिल्म है। इट्स फुल लेंथ फिल्म नहीं है ये, अभी तक सिर्फ बियॉन्से ने किया है और इंडिया में मैं पहली म्यूजिशियन हूँ जो ये फिल्म करूँगी। सो फिल्म में बेसिकली पूरी फिल्म आपको पोइट्रीज, डायलॉग्स और गानों के जरिए बताई जाएगी। सो एकदम इसमें ऐसा नहीं है कि एक स्टोरी तो है, लेकिन आपको वो बॉलीवुड या हॉलीवुड जो आप एकदम फिल्में देखते हैं वैसी नहीं है। सो इट इज़ मोर लाइक गाना है, जर्नी है और पोइट्रीज है जो मैंने फिल्म मैंने खुद कोर आई हैव कोर रिटन द फिल्म और गाने मैंने अपने कोर रिटन द फिल्म। यस, एम आई हियरिंग इट करेक्ट? यस, शी हैज कोर रिटन अ हॉलीवुड फिल्म। और मैंने जितनी पोइट्रीज है उसमें सारी पोइट्रीज मैंने खुद लिखी है। एंड यू हैव sung as well? Yes. Don't say that. Yes, I really? have. Yes, I have. तो दोस्तों मतलब किसी और के लिए कुछ करने को बाकी नहीं रह गया, जब एक ही व्यक्ति जो है वो किस्सा लिखे भी, उसको फिर पढ़े भी, उसमें से पोइट्रीज हो और उसको गा के भी सुना दें, एक्टिंग भी उसी में कर रही है, तो फिर बचा क्या? दूसरों के लिए कुछ छोड़ा आपने कि सब आप ही कर रही हैं उसमें? नहीं नहीं, दूसरों का बहुत काम है भाई, फिल्म प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत काम होता है। आके तुम मार्केटिंग कर देना मेरे लिए। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मुझे थोड़ा और डिटेल में बताएं व्हाट एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट एंड वेयर एग्जैक्टली इट इज बीइंग शॉट और ये होने जा रहा है अभी। सो फिल्म बेसिकली एक लड़की की कहानी है, हमने लड़की रखा है, लेकिन कोई भी छोटे शहर का इंसान जब बड़े सपने देखता है तो उसके सपने पहले तो अपने शहर में ही ख़त्म करने की बहुत सारी कोशिशें होती है कि अरे वहाँ कैसे जाओगे, इतना बड़ा मत सोचो, जॉब कर लो, क्या होगा, कितने लोगों ने किया है, सब तो लौटा है, सब लौटा है। सो वो चलता जाता है एंड देन इट बिकम्स लाइक आपको यू नो लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, बट जब आप जैसे मैंने कहा अगर आपको अपने टैलेंट से प्यार है, अगर आपने किसी चीज़ से प्यार किया तो वो लोगों की बात ना सुनते हुए आप हेड ऑन आगे बढ़े। तो स्टोरी वही है दैट एक छोटे शहर का इंसान किस तरह से एंड स्पेशली अ वुमन, मैं कहूँगी एक लड़की होने के नाते आपकी चीज़ें वैसे ही आधी बहुत कहीं कहीं मुश्किलें होती ही हैं। वो आई डोंट अग्री, नाउ द वर्ल्ड इज बीइंग लार्जली थोड़ा सा फेमिनिस्ट वर्ल्ड आजकल हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। I'm sorry, I hope my wife is not seeing this show. So, but honestly, I would say, आप जितने feminists देखोगे ना, आधो को feminism का मतलब भी नहीं पता होगा। Okay, okay. मैं आपको ये कह, जितने भी feminists हैं, वो सारे बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, वो सारे बड़े घरों में रहे हैं, या तो उनके पास एक प्लेटफॉर्म है बात करने के लिए। लेकिन असली फेमिनिज्म तब आएगा ना जब आप गाँव की लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, आप उन्हें प्लेटफॉर्म दिलाएंगे, तब तो आप आगे बढ़ेंगे। नो डाउट, यू नो, यू जस्ट आजकल मैंने ये देखा, यू जस्ट सिट इन अ चेयर एंड यू आर लाइक हम करवा चौथ क्यों करें, हम ये क्यों करें, हम वो, दीज आर आवर कल्चर्स।
देयर इज अ रीजन दैट पीपल डू इट. नहीं एक मिनट, आप इसके सपोर्ट में उतर रही हैं कि नहीं? मैं इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ. मैं बिल्कुल मतलब मुझे लगता है सच्चा फेमिनिज्म, एक सच्ची फेमिनिस्ट या सच्चा फेमिनिस्ट, जैसे आदमी भी आजकल बहुत बोलते हैं मैं फेमिनिस्ट हूँ, बट एक सच्चा फेमिनिस्ट वही होता है जिनको इस चीज़ की समझ है कि फेमिनिज्म और जो वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करते हो वो कहाँ करनी है. मुझे एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, मैं एम्पावर्ड हूँ. सो अगर कोई आके मुझे बोलता है यू नो यू आर अ वुमन एंड आई वांट टू एम्पावर यू, बट आई एम ऑलरेडी एम्पावर्ड. इफ यू वांट टू एम्पावर प्लीज गो टू अ विलेज जहाँ पे स्कूल नहीं है, जहाँ पे खाने को नहीं है, वहाँ पे जाके औरतों को पढ़ाइए, वहाँ पे जाके उनको एक मौका दीजिए कि वो जो है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके. देन यू शुड टॉक अबाउट फेमिनिज्म एंड एम्पावरमेंट. यू शुडंट टॉक लाइक कॉफी पी रहे हैं और फेमिनिज्म की बात में बहुत दम है. बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रेस करते हैं, अगर आप फेमिनिज्म पर स्ट्रेस करते हैं, तो आपको उस बेसिक एकदम ग्रास रूट लेवल से आपको देखना पड़ेगा. मैं तो फेमिनिज्म की बात करूंगा, हमारे तो मुझे तो मरी मजबूरी है क्योंकि हमारे शो की जो डायरेक्टर डायरेक्टर्स हैं थोड़ी देर में वो भी दिखाई देंगे शमूल, वो भी फेमिनिस्ट. तो अब मैं किसी से मतलब छोड़ के कहीं भाग नहीं सकता. तो खैर अब बात आती है टिया, हॉलीवुड जी इतनी जल्दी वहां भी पहुंच गई जी, और अभी तो मतलब दौड़ बहुत लंबी बाकी है जी. तो आगे और कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलेंगी, कैसे प्रोजेक्ट्स और हम लोग के सामने आ रही हैं जरा बताएं. वेल अभी तो सीक्रेट डायमेंशन, क्योंकि ये पहला मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं कहूँगी इट्स माय बेबी एंड आई एम डूइंग बेबी स्टेप्स ऑन दिस. ये पहला मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ इसको लेके, बिकॉज यू नो आप एक ही मौका मिलता है अपना डेब्यू करने को, यू नो अगर ये डेब्यू अच्छा नहीं हुआ तो फिर लोगों को शायद वो चीज़ पसंद नहीं आए. और सीक्रेट डायमेंशन से हम US मार्केट, यूरोप मार्केट, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं बहुत नर्वस हूँ, यस बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ. वैसे भी जो है इंडियन का, एक इंडियन इंसान का यू नो वहाँ तक पहुँचना और वहाँ पे जाके उनके मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करना शेर के हाथ में मुंह डालने जैसा है, बट चैलेंज एक्सेप्टेड. बहुत अच्छी बात है. तो टिया कुछ सुन सकता हूँ आपके आने वाले प्रोजेक्ट में से, कुछ जो आपने खुद लिखा भी है और शायद कुछ जी जरूर सुर भी दिया हुआ है उसमें? मैंने एक्चुअली एक इंग्लिश, सारे गाने मैं ही लिखे हैं लेकिन ये मेरा सबसे पहला गाना है जो मैंने लिखा था. और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग होती है, आजकल लोग उठते हैं शायद बीवी से झगड़ा हो गया या पापा ने डांट दिया तो वो एक सेलिब्रिटी पकड़ लेते हैं या किसी भी एक इंसान को पकड़ लेते हैं और ट्रोल करना शुरू कर देते अच्छा। हैं कि तुमने क्या कपड़े पहने हैं, तुमने ये क्यों किया है, या आप कोई भी अपनी कोई भी बात कहेंगे तो 10 लोग आके उसको नेगेटिव बोलते हैं. तो मैंने उसके ऊपर जो 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 हेटर्स हैं सोशल मीडिया हेटर्स, उनके लिए ये गाना लिखा था. और मैं इसको वर्चुअल पंच बोलती हूँ, सोशल मीडिया हेटर्स पंच. यस तो ये वर्चुअल पंच है लोगों के लिए. और ऑफकोर्स फिल्म में भी अच्छी तरह से जाता है क्योंकि रियल जिंदगी में भी बहुत सारे हेटर्स मिलते हैं. सो इट गोज लाइक दिस. आई जस्ट मेड मी सम मिलियंस And my bank manager's happy. I will treat myself forever. Cause baby, that's just me. So here it goes to all haters. Be prepared to see me flex. Call a doctor if you're stressed. I know you're in pain. La 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 la. Wow, great show. Thank you. Wow, you have some voice. मतलब आपने तो देखा scanting वगैरह सब कुछ कर ली इसमें. हाँ जी. So कैसे Indian music भातखंडे जी और सीधे classical से एकदम English उसपे से आ गई और आप rock भी कर रही हैं and your आपने fusion mixing भी करनी शुरू कर दी. जी. मैंने आपको कहा ना बचपन से ही मुझे मतलब रहा है दैट आई वांट टू बी अ कंप्लीट पैकेज. मैं सिर्फ एक चीज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अगर मुझ में इतना टैलेंट टचवुड आई डोंट वांट टू बी अ नार्सिसिस्ट हियर और आई डोंट वांट टू साउंड लाइक मैं बट अगर आपको भगवान ने किसी चीज से ब्लेस किया है तो उसकी रिस्पेक्ट करें मुझे ऐसा लगता है. और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस काम को कर रही हूँ तो ये सबसे बेस्ट होना चाहिए. सो आई थिंक इंग्लिश गाने बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, बियॉन्से नहीं बट सेलिन डियोन के सुनती आ रही हूँ.
और मैं कहूँगी सेलिन डियोन, मराया कैरे, इन लोगों के गाने मैंने बहुत सुने हैं और आई थिंक वो चीज़ हमेशा रही। और मैं एमा थॉम्सन गर्ल्स में पढ़ी हूँ तो एक इंग्लिश स्कूल है, तो बचपन से वो कॉयर में, क्योंकि मैं कॉयर लीड करती थी अपने स्कूल का, तो वो बचपन से एक इंग्लिश गाने मेरे ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। और जब मैं जो टीम हमारी मिली, जो यूरोपियन टीम है मैक्सिमम रिस्क एंटरटेनमेंट, आई थिंक वो कहीं ना कहीं उनको वो पोटेंशियल दिखा, उन्होंने मुझे, मैं उनकी अकेली इंडियन आर्टिस्ट हूँ जो उन्होंने मुझे साइन किया, सो आई थिंक आई वुड टेक दिस एज एन अचीवमेंट। और वहाँ से इंग्लिश गाने जो है लिखना मैंने शुरू किए, तब मुझे पता चला कि मैं एक्चुअली बहुत अच्छा लिखती भी हूँ। सो सो यू आर री इन्वेंटिंग योर सेल्फ एवरी डे। और डियर मुझे बहुत बहुत खुशी है कि लखनऊ ने आप जैसी एक शख्सियत को आगे बढ़ाया और आपको जो है हम बढ़ते देख रहे हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है। हम इसी शहर से हैं, तो जैसे कि आपने, क्योंकि हम लोग फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं और फेमिनिस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम बिना अपने प्रोग्राम डायरेक्टर के पास गए मैं अपनी जॉब नहीं खोना चाहता। तो डियर अंग्रेजी गाना तो आपने सुना दिया जी, प्रभावित जी। लेकिन सच बताऊं समझ में कुछ कम आया मुझे, तो मैं चाहूंगा कि कुछ हिंदी अप्रोच के साथ अगर चीज को खत्म करें। तो आपका एक गाना था 100 बरस, हाँ जी, जो अभी तक मेरे कान में तो बज रहा है, मैं सामने सामने सुनना चाहूंगा क्योंकि आप मेरे सामने बैठी हुई हैं। प्लीज अगर दो लाइन आप हमारे लिए गुनगुना सके। 100 बरस गुजरे रात हुए, 100 बरस गुजरे दिन हुए, 100 बरस गुजरे चांद दिखे, 100 बरस गुजरे बिन जिए, क्यों पल ठहरता है ये, क्यों वक्त गुजरता नहीं है, ये रासूनी है क्यों, क्यों कोई गुजरता नहीं है, 100 बरस गुजरे चांद दिखे, 100 बरस गुजरे बिन जिए। वाओ वाओ, ऑसम ऑसम। मुझे लगता था गाने जो है शायद प्रोसेस होके निकल के आती है तभी हमारे कानों को अच्छा लगता है, लेकिन आपने बता दिया कि आप वाकई इतना खूबसूरत गाती हैं कि इसमें शायद किसी म्यूजिक की भी आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। आई एम ऑस्ट्रक। मैं सच बात कहूं तो मैं वाकई, मुझे बहुत खुशी होती है कि दोस्तों सिर्फ नाम आगे नहीं बढ़ना है, टैलेंट आगे बढ़ना है। एंड शी इज अ पैकेज ऑफ टैलेंट, और हमारी शहर से एक, और आज देखिए किन ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो जी हाँ, जो एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको हमेशा कहता हूं, अगर आप में टैलेंट है उसको पॉलिश करिए, सही दिशा में करिए, एटीट्यूड सही रखिए। आपने कुछ चीज़ें देखी, आपने, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से, जब हमने उनको चैलेंजिंग एस्पेक्ट भी मैंने टिया से पूछा तो उन्होंने क्या बात बताई आपको, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, आगे बढ़ते हैं रहना। इसी बात के साथ आज के शो को हम ये अंतराल देते हैं और चलते हैं सीधे शिमुल से, शिमुल के पास, और प्रोग्राम की क्लोजिंग उन्हीं से सुनते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? तो आज हम ये मौका नहीं छोड़ेंगे क्योंकि टिया हमारी शो में है और हम इस एपिसोड की क्लोजिंग करना चाहते हैं टिया वाजपेयी के साथ। तो टिया, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये जो शो है करियर काउच विद शुभांकर, ये स्पेशली डेडिकेटेड है यंग यूथ के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। तो जैसे कि आप लखनऊ शहर से है, और स्टूडेंट्स में फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, टिया जो है 10th अपना टिया ने कंप्लीट किया है एमा थॉम्सन से, और सेंट टेरेसा से इन्होंने अपनी 12th कंप्लीट किया है, और उसके साथ साथ अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन, राइट जी। सो ग्रेजुएशन आपका किस स्ट्रीम से हुआ है टिया? इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस। माय गॉड, इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस, एंड उसी के साथ साथ भारतीय संगीत में इन्होंने विशारद किया है भातखंडे यूनिवर्सिटी से। सो मच टैलेंट, यू नो, आप
नहीं, जो है इतने खूबसूरती के साथ अपने एजुकेशन कंप्लीट किया है, अपना म्यूजिक में अपना पैशन कंप्लीट किया है, तो टिया इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगी कि किस तरीके से जो है आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा संदेश देना चाहती है, क्योंकि हमारे साथ हर समय हम लोग स्टूडेंट्स के साथ बातें करते, उनके साथ वर्कशॉप्स करते, तो बहुत सारे हमारे लखनऊ में जो है ऐसी टैलेंटेड लोग हैं जो फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रेशर को यू नो एक स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाता है, तो मैं आप ही से जो है उनके लिए कुछ संदेश देना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को हैंडल करती हैं। मैं सबसे पहले तो मैं ये सबको एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप चीज़ें प्रेशर के हिसाब से देखोगे तो आपको प्रेशर ही लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी जर्नी एंजॉय करना शुरू करोगे तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब हम जब मैं भी स्टूडेंट थी लगता था अरे यार अभी पढ़ना नहीं है, भात खंडे नहीं जाना है, ट्यूशन नहीं करना है, दोस्तों के साथ घूमना है, तो मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ का ना एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में हमें इसलिए टाइम टेबल सिखाया गया है स्पेशली कि टाइम टेबल आप बनाएं अपना, क्योंकि आपके लिए इजी रहे, तो अपनी हर एक चीज़ को आप टाइम करें, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करनी है, स्कूल है, कॉलेज है, अगर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस करनी है, कंप्यूटर कोर्स करना है या कोई भी कोर्स करना है, तो कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी या कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, तो वो हमेशा वो तो चलता रहेगा, और वो अभी अभी स्टूडेंट्स है तो कम है, जब आगे चल के और ज़्यादा जो है प्रेशर बढ़ेगा, तो अभी से अपने टाइम मैनेजमेंट, जो मैं कहूँगी जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो करना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट करें, जो है एक घंटा दो घंटा जैसे भी आप जो भी आपके क्लासेस है आपको एक टाइम टेबल बना के टाइम मैनेजमेंट करें, और उस हिसाब से आपको खुद पता चलेगा कि आपके लिए चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट है करनी और कौन सी नहीं, तो जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो अपने आप पीछे छूट जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट है उसे आप फॉलो करें। बट अपनी और स्ट्रेस की जहाँ तक बात रही, तो अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। लाइक आई सेड, अगर कोई हॉबी है उसे ज़रूर परस्यू करें, अगर आपको गाना पसंद है तो गाना गाएं, अगर आपको डांस करना पसंद है तो डांस करें, और ये जो आपकी सोशल मीडिया का जो टाइम है वो कम करें, क्योंकि सोशल मीडिया हम हाथ में फ़ोन ले लेते हैं फिर हमें पता नहीं चलता 4-5 घंटे कहाँ निकल जाते हैं, तो वो 4-5 घंटे आपके बहुत ज़रूरी हैं। सोशल मीडिया करें, मैं भी करती हूँ, लेकिन बहुत लिमिट में करें, बाकी आप देखेंगे जब आप ये चीज़ें करने लगेंगे आपका स्ट्रेस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एग्ज़ाम्स की टेंशन बिल्कुल नहीं लें। फेल होते हैं बच्चे, यस, अगले साल पास हो जाएंगे, पास होते हैं तो अच्छी बात है। सो एग्ज़ाम्स जो है ना, सबसे बड़ा टेंशन जो होता है ना, आप फेल हो गए तो क्या होगा, हो गए तो हो गए यार, इट्स ओके। तो जैसे सक्सेसफुल के लिए भी हम लोग एंजॉय करते हैं उस मोमेंट को, तो फेलियर्स को भी आई थिंक हम लोग को भी उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करना है। बड़े से बड़े एक्टर्स की फिल्में फ्लॉप हुई हैं और उसके बाद उन्होंने हिट फिल्में दी, एग्जैक्टली, तो फ्लॉप फिल्म हो गई तो लाइफ खत्म तो नहीं हो गई, सो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखें। बहुत अच्छे से आपने स्टूडेंट्स को आई थिंक यही चीज़ समझाया है, हम लोग भी हर समय यही चीज़ें समझाते रहते हैं, तो इसी के साथ टिया बहुत अच्छा लगा हमें आपको हमारे शो में देख के, थैंक यू वेरी मच। तो क्यों ना आज इस शो की क्लोजिंग आपसे करवाया जाए, ये मौका मैं खोना नहीं चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो देखते रहिए करियर कोच विद शुभांकर।